शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बजाज नगर पुलिस थाना हद के भीतर काफी तनाव पैदा हो गया। एक समूह ने युवा पर पिस्तौल तान कर रॉड से हमला करने की कोशिश की। हालांकि दूसरे समूह की महिलाएं अपनी सहायता के लिए दौड़ी और भाग निकली। यह घटना गुरुवार देर रात बजाज नगर पुलिस थाने की है। दोनों समूह के बीच चल रहे झगड़े का समापन गुरुवार की आधी रात को सिनेमेट के एक युवक की हत्या के प्रयास में हुआ। एक समूह ने युवाओं पर पिस्तौल तान कर और रॉड से हमला करने की कोशिश की। हालांकि दूसरे समूह की महिला अपनी सहायता के लिए दौड़ी और भाग निकली। घटना गुरुवार देर रात बजाज नगर पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर हुई। इससे इलाके में काफी तनाव पैदा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी नगर इलाके में रहने वाले युवाओं के दो समूह पिछले कई दिनों से बहस कर रहे हैं। उनके बीच कभी कभार लड़ाई झगड़े होते हैं। गुरुवार की रात 10 से 11 के आसपास युवाओं को अकेले देखा गया और युवाओं के एक अन्य समूह ने हेलीकॉप्टरों, पिस्तौल और छड़ के साथ साथ लाठी से घेर लिया। उसके समूह की महिलाएं उसकी सहायता के लिए दौड़ी क्योंकि उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की। वे उसे सुरक्षा के लिए ले गए। हमले में वह घायल हो गया था लेकिन वह बच गया। दिलचस्प बात यह है कि समझा जाता है कि हमले में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। घटना से इलाके में भारी तनाव हो गया था। सूचना मिलने पर बजाज नगर पुलिस थाना की टीम वहां पहुंची। उस समय तक क्षेत्र विस्फोटक अवस्था में था। पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर आधी रात को थाने में ले आई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिए गए हैं। पुलिस घटना का पता लगाने की कोशिश कर रही है। घटना की जानकारी मिलने पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बजाज नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस अधिकारी शुक्रवार को 1:30 बजे तक इस घटना के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। इनबीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।